साहिबगंज जिला प्रशासन एक बार फिर से भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में है। इस बार मामला खाद्य प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। ताज़ा मामला साहिबगंज के उधवा प्रखंड का है, जहां स्कूल के पारा शिक्षकों ने सहायक गोदाम प्रबंधक नसीम अख्तर एवं डीएसडी कन्हाई मंडल पर आरोप लगाया कि बच्चों के एमडीएम का अनाज इसके मिलीभगत से काट लिया जाता है। वहीं उचित मापतौल के बारे में पूछे जाने पर सहायक गोदाम प्रबंधक द्वारा बदसलूकी कर शिक्षकों को धमकाया भी जाता है। तो वहीं शिक्षकों को फोन कर अनाज लेने हेतु गोदाम बुलाया जाता है और डोर स्टेप डिलीवरी द्वारा स्कूल में अनाज नहीं पहुंचाने की बात शिक्षकों द्वारा कही गई। इसको लेकर दर्जनों शिक्षकों ने उपायुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, उधवा जिला शिक्षा अधीक्षक को लेकर आवेदन प्रेषित कर कार्रवाई की मांग की गई है। मेरा नाम माइनुल हक जी, मैं पारा शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ जी, और मैं आज उपायुक्त कार्यालय पर आया हूँ एक मामला को लेकर। मामला ये है कि हम लोग पारा शिक्षक हैं और सचिव भी है, और एमडीएम चलाने के लिए एफसीआई गोदाम से चावल आवंटित होता है, जबकि वहाँ चावल डीएसडी को पहुँचाना है प्रत्येक विद्यालय में। विगत कई महीनों से चावल नहीं होने के कारण लगभग सभी विद्यालय में 2 महीना एमडीएम बंद था। हम लोग लाख प्रयास किए, चावल उपलब्ध नहीं करा सके। विगत 15 दिन पहले चावल आया। चूँकि चावल डीएसडी जो ठेकेदार है उनको प्रत्येक विद्यालय में पहुँचाना है, लेकिन वहाँ पर एक नसीम अख्तर एजीएम बोल के है, वो जो है जब गोदाम चावल जाता है तो सारा चावल को अपना गिरफ्त में ले लेता है एजीएम, और ठेकेदार को भी वो वहाँ सटने नहीं देते हैं और अपना मनमानी तरीका से शिक्षक को बुलाकर चावल देते हैं, और शिक्षक को सुबह सुबह फ़ोन करते हैं कि जल्दी आप लोग गाड़ी लेके आइए और चावल ले जाइए।